अथ कार्तिक महात्म्य एकत्रिंशाध्याय सुत वाचा विष्णुर महिमानिक कहंती सुत पौराणिक शुण सकल मुनि गणे गोविंद आज्ञा परमाणे मिले सकल ब्रह्म ऋषि वरुण पुरे दूत पेशे ज्येष्ठा कन्या को अणाइले विवाह मंडपे उभ कले अनेक लोक मिलित ही कन्या को देखुछंती रही स्वभावे अलक्षित नाम रूपता विपरीत कर्म पृथु शरीर वृद्धा जन विशाल हृद कटिक्षीण पिंगल केशालंब कर्ण रकत नेत्र दीर्घानन द्विपाख चोली मध्य झिका पराय दिशिका अति ओसार बेनी पाटी श्रवण परिजंते घोटी हरित वर्ण दंत पंती दिशाई भयंकर मूर्ति जुहा खड़ग प्राय जानी ओष्ठ उन्नत खर बाणी दीर्घ चरण क्षुद्र कर अंगेजे वस्त्र अलंकार किछे न दिसे ताकु शोभा बकीर प्राय होई उभा काकर प्राय वक्र दृष्टि श्रीमंत रूप देखे कष्टे ताहाको देखे सर्वलोके आश्चर्य मणुछंति थके विष्णु आदेश उद्दालक स्वभाव सुज्ञ सुविवेक कन्या भी गुण न बाछिले अलक्ष्मी को से विवाह कले विवाह बढ़ाए मुनिगण ब्रह्मा सहित नारायण जे जहाँ पूरे कले बीजे एथो अंतरे शुण द्विजे अलक्ष्मी किसी संगे घेनी सेठारु उदालक मुनि निज आश्रमे जाई मिले युवती देले हुळहुळि मंगल विधि कले आणी ता देखे सागर दुलणि सुख न भजे तार मुनि प्रवेश मुनि सन्निधाने तहु शुणिला वेद ध्वनि आकुल होइला कामिनी दोहरा अग्निधूम बासे विप्र नारीक धर्म त्रासे अलक्ष्मी देहे दुख लागे घर बाहर हेला बेगे दंडरे उभा हेला आसे ता देखे उताल करुसे निज घरणी आगे मिली वचन कहंती ओगाळे किंपा तो मोर गृह छाड़े सकल लज्जा दूरेड़े दंडरे आसे हेलु भा ए मते न दिसिला शोभा आबर कांदु अछु कहे किय भी गुण मोर गृहे ता देखे आकुल मो देह के बोइला तोते कह हेमंत पति मुख शुणी अलक्ष्मी कहुअछि वाणी मोरो प्रिया
महात्मा।